एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो नए हैं या डरे हुए हैं दिस इज अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे शुरू कर सकते हैं दोस्तों यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियोस को लेकर अराउंड इन्वेस्टिंग मैंने खुद इतने सारे वीडियोस बनाए हैं और इतने बेशुमार वीडियोस हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं यहां कर सकते हैं वहां कर सकते हैं पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा बट हियर हेअर्स थिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी हमें लगता है कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन फायदेमंद है बट नो माई एक्सपीरियंस टेल्स मी कि जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर को मिलेगी उतना ही वो डरेंगे अर्ली ऑन क्योंकि उन्हें लगेगा ओ माई गॉड उट देर दर आई डू नॉट नो तो क्या मैं सही डिसीजन ले भी रहा हूं या नहीं एंड है तो वो उनका ही पैसा राइट एंड दैट इज नॉट वॉट दे वो रिस्क सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि एक नए इन्वेस्टर को एक डरे हुए इन्वेस्टर को एक न्यू बी को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दीजिए

ज ए गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग होती है जब आप एक कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं या एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स खरीदते हैं और उसकी कस्टडी या ओनरशिप देते हैं इन टेक्निकल टर्म्स डिलीवरी जो है वो ट्रेडिंग से बहुत अलग है ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक स्टॉक खरीदते हैं और उसी दिन के अंदर अंदर उस स्टॉक को बेच देते हैं वहा बिकॉज दे आर राइडिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट सौ रुपए का स्टॉक खरीदा वो एक सौ एक रुपए का हुआ बेच दिया आप बोलेंगे एक रुपए के लिए क्यों ना एक परसेंट के लिए एक परसेंट अगर कोई इंसान हर रोज कमा पाएगा तो वो साल के एंड में थर्टी एट टाइम्स अपने पैसे को बढ़ा चुका होगा ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं है कोई भी नहीं कर पाता है बट टू गिव यू अंस ये लालच ड्राइव्स अलॉट ऑफ द ट्रेडर्स प्लस वेरी टेक्निकल कम से कम मुझे तो नहीं पता कैसे करते हैं Very time क्योंकि आपको एक्टिवली स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा प्राइस कैसे जा रहा, है, कब जा रहा है कितना खरीदना है सो ऑन एंड हाईली रिसर्च बनाने पड़ेंगे जिस बात पे नहीं चलता मुझे लग रहा है कि अंकुर वाले को का स्टॉक बढ़ जाएगा नई नई घटने वाला है बहुत ऐड दिख रहे हैं नहीं इट इज समथिंग विच इज मॉडल ड्रिवन रिसर्च बैक विच टेल्स यू की कौन सा किस प्राइस पे खरीदना चाहिए या नहीं

कौन कौन से प्री रेक्ट जरूरी हैं फॉर यू टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग क्रिटिकल आपका पैन कार्ड होना चाहिए पैन कार्ड जरूरी, जरूरी इसलिए है क्योंकि हर एक चीज जो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसपे टैक्स लगेगा एंड दैट टू बी समथिंग विच इज एट्रीब्यूटेड टू योर टैक्स आइडेंटिटी एंड डीमैट क्योंकि वो बैंक अकाउंट इक्विवेलेंट है जहां आपके स्टॉक्स रहेंगे तो जैसे आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है वैसे आपके स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं तो जब भी हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं इन द स्टॉक मार्केट तो वो डीमैट अकाउंट में जाता है पैन कार्ड होने की कोई उम्र नहीं है आप पैदा होते ही एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन डीमैट

मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं एज माई डी अकाउंट दैट इज द ब्रोकरेज जहां से मैं खरीदता और बेचता हूं एंड ऑल्सो द डी जहां मेरे सारे स्टॉक्स रेस्ट होते हैं जीरोधा हिंदुस्तान का नंबर वन प्लेटफॉर्म है सो दैट्स वॉट आई वुड रिकमेंड लेकिन बहुत सारे और ऑप्शन हैं आप जो भी यूज करना चाहते हैं ऑल ऑफ दैम विल बी गुड एज लॉन्ग एज यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग भाई इन्वेस्ट करना शुरू करना है प्लेटफॉर्म बदलते रहेंगे यू कैन हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस मल्टीपल डी मैट अकाउंट एज वेल फिर आता है नंबर थ्री एंड दिस इज वेयर मोस्ट पीपल फॉल्टर कि आपका रिस्क एपीटाइट क्या है आपका पैसे की तरफ नजरिया क्या है आर 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 पीपल पीपल हु हु रिस्क रिस्क अवर्स लविंग एंड दैट्स परफेक्टली ओके हर इंसान का अपना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत रिस्क लविंग है ना दैट्स अ अमिस्क जरूरी नहीं है कि जिनको एफडी से प्यार है सिर्फ वही बहुत बोरिंग लोग हैं ना आप स्टॉक मार्केट में भी लो रिस्क के साथ काम कर सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में भी हाई रिस्क के साथ काम कर सकते हैं एंड एवरी थिंग इज अ फंक्शन ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट योर मनी तो एक जो प्रिंसिपल होता है दैट इज यूजली कॉल्ड हंड्रेड माइनस एक्स प्रिंसिपल की अगर एक्स आपकी एज है तो हंड्रेड माइनस एक्स शुड बी योर इन्वेस्टमेंट एट अ मंथली लेवल दैट यू पुट इन टू एक्विटीज तो अगर आप महीने के दस हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपकी उम्र पच्चीस साल है तो हंड्रेड माइनस पच्चीस सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दैट दस हजार मतलब साढ़े सात हजार रुपए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहिए बाकी के पच्चीस आप अपने लो रिस्क वाले एसेट्स में डाल सकते हैं आपका पीपीएफ हो सकता है ईपीएफ हो सकता है एफ भी हो सकती है गोल्ड हो सकता है कॉपरेट बॉन्ड हो सकता है वोट द केस में भी लेकिन सेवेंटी फाइव परसेंट 7500 इज सेवन 10000 फाइव हंड्रेड ऑफ दार्केट में डालेंगे लेकिन ये तो मैंने बोला है रैंडम फॉर्मूला है आप नहीं करना चाहते आई वुड नॉट इंकरेज यू टू देन से कि मैं स्टॉक मार्केट में कम डालूंगा नो दैट विल बी द रॉन्ग अप्रोच द राइट अप्रोच वुड बी कि स्टॉक मार्केट में मैं किस चीज में इन्वेस्ट करूंगा दैट विल चेंज बेस इज माई रिस्क प्रोफाइल तो अगर मुझे रिस्क पसंद नहीं है मतलब मुझे ज्यादा जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं चाहिए भाई मुझे ना एक स्टेबिलिटी चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम And I'm okay अगर वो स्टेबिलिटी एक लोअर रेट ऑफ रिटर्न पे मिलती है या yeah, मुझे अपने पैसे के साथ थोड़ा खेलना है आई एम टोटलीकेट आई एम ओकेट फॉर तो मैं ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं मुझे ऊंच नीच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ओवर द लॉन्ग टर्म मुझे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए दैट इज देन द मिक्स की आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं इन द स्टॉक मार्केट बट इट शुड नॉट बी कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं आई से ंड्रेड माइनस एक्स एक रैंडम फॉर्मुला नहीं है उसको आप लॉ ऑफ नेचर लेके परमानेंट मान लीजिए तो अगर वो बोलता है कि 25 साल की उम्र में 75 परसेंट ऑफ योर मंथली इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए टेक इट फॉर व्हाट इट इज एंड उस 75 परसेंट को आप कैसे स्प्लिट करना है इज व्हाट यू नीड टू देन डिसाइड व्हिच देन ब्रिंग्स मी टू स्टेप नंबर फोर कि वो डिसीजन कैसे लिया जाता है सो हियर आर वेरी ब्रॉडली थ्री रिस्क प्रोफाइल्स लो रिस्क, लेकिन लेके चलते हैं परसेंट आपको रिटर्न देती, देती है लेकिन पांच से छह परसेंट लेते हैं क्योंकि बैंक से मार पड़ेगी मुझे अगर मैं ज्यादा उसको मारूंगा अ लो रिस्क स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुड गिव यू अराउंड ट्वेल्व परसेंट ओवर द लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन मतलब पांच से दस साल मिनिमम मीडियम रिस्क आपको पंद्रह परसेंट के करीब देगी हाई रिस्क आपको अठारह परसेंट या उससे ऊपर देगी अब ये यार में तो ज्यादा दुनिया दुनिया नहीं बदलती बहुत बदलती बहुत है दोस्त अगर आप एक्सेल में फॉर्मूला डालेंगे और ये पूछेंगे कि ये लाख रुपए जो है मेरे अगर मैं ये डाल दू तो ये बीस साल बाद कितने बनेंगे एट ट्वेल्व परसेंट फिफ्टीन परसेंट एंड एटीन परसेंट देन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है कॉल द रूल ऑफ सेवेंटी टू टू बोलता है कि अगर आप सेवेंटी टू को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपका कितने सालों में पैसा दुगना हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेवेंटी टू को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है नंबर मतलब हर हर साल, हर साल sorry, हर साल साल नहीं सॉरी आपका पैसा दुगना हो जाएगा तो अगर आप एक लाख रुपए को बीस साल के लिए बारह परसेंट पे डालेंगे तो पहले छे साल एक का दो हो जाएगा फिर दूसरे छह साल दो का चार हो जाएगा फिर दूसरे छह साल चार का आठ हो जाएगा तो मतलब आपको करीब करीब आठ लाख रुपए मिलेंगे आठ से ज्यादा ही मिलेंगे फॉर योर वन लाख इन्वेस्टमेंट एट ट्वेल्व परसेंट अगर ये पंद्रह होता तो सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई फिफ्टीन इज से अराउंड फाइव फाइव से थोड़ा कम ही है बट लेट से फाइव तो इंटरेस्टिंग एक लाख पांच साल के अंदर दो फिर पांच साल के अंदर चार फिर पांच साल के अंदर आठ फिर पांच साल के अंदर सोलह मतलब आपका वही एक लाख रुपए पंद्रह परसेंट बीस साल के लिए अब सोलह लाख हो गया फ्रॉम दैट आठ लाख रुपए अठारह hmm. परसेंट पे क्या होता है अगर हम सेवेंटी टू को अठारह से डिवाइड करेंगे तो आएगा चार नाउ सी द डिफरेंस एक लाख चार साल के बाद दो फिर चार साल के बाद चार फिर चार साल के बाद आठ फिर चार साल के बाद सोलह फिर चार साल के बाद बत्तीस वो एक लाख रुपए अठारह परसेंट में बीस साल में ही अब बत्तीस लाख रुपए बन चुके हैं बन बन चुके चुके हैं चुके हैं ऑलमोस्ट दुगना जस्ट बाय दैट स्मॉल स्प्रेड सो दैट्स द डिफरेंस दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस ऑफ लो मीडियम एंड हाई रिस्क अब इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह है कि लो रिस्क वाले जो लोग होंगे दे विल बी इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इन कंपनीज विद एन अप्रोच जहां प्राइस जो है ना वो मोटा मोटा स्टेबल रहेगा इट विल मूव थ्रू इट्स एंड डाउन क्योंकि स्टॉक मार्केट की वही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन वो मूवमेंट ऐसे नहीं होगी कि दिल का दौरा ही हमेशा बढ़ जाए बट द हाई रिस्क वास्त विल बी लाइक ओ अप डाउन अप डाउन अप डाउन इन अ वे दैट यू मे नॉट बी कंफर्टेबल विद एंड दैट्स व्हाई यू लाइक मुझे नहीं करना है सो ट्रूली मीन अगर आप एक लो रिस्क स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है मतलब आप ज्यादा रिस्क ना लेके 12 परसेंट में खुश हैं देन द वे टू डू दिस इज टू इन्वेस्ट इन द टॉप स्टॉक्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी और द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड इंडेक्स एंड उसके अंदर एक निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है विच इज कंसिडर्ड टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉप फिफ्टी स्टॉक्स ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विच इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अगर आप इन 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं टॉप एंड अगर आपको देश पे विश्वास है देश की top 50 पे विश्वास है, तो आपको वो रिटर्न मिलेगा एंड कंसिस्टेंटली अच्छे से मिलेगा लेकिन क्योंकि ये top 50 है, इनका ग्रोथ पोटेंशियल क्रेजी नहीं है इट विल ग्रो एट अटडी पेस क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही लार्ज प्लेटफॉर्म या फाउंडेशन पे है एज अगेंस्ट एक

टेक्नोलॉजी एक बुरी कंपनी है बट बहुत रिस्क है इन द इंटायर वर्ल्ड सो वट यू डू एज लो रिस्क इज यू इन्वेस्ट प्रोडोम इन निफ्टी फिफ्टी एंड निफ्टी फिफ्टी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो आप खरीद सकते हैं मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बिकॉज एवरी वन विल हैवर ओन चॉइस एंड प्लीज गो एट एंड्राई दैट तो अगर आप सौ रुपए स्टॉक मार्केट में डालने वाले हैंट शुड गो इन टू द निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स एज अ लो रिस्क स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बाकी का जो पंद्रह परसेंट बचेगा उसको आप डाल सकते हैं इन मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड कोई भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स जहां आप मिड कैप या मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज चूज करने की कोशिश मत करिएगा कि फार्मा में डालें या बैंकिंग में डालें या टेक्नोलॉजी में डालें बिकॉज यू में नॉट है दिमाग नहीं लगाना है जस्ट सर्च फॉर स्मॉल कैप ग्रोथ म्यूचुअल फंड एंड वहां अपना पंद्रह परसेंट जो बचा हुआ है वो डाल दीजिए दिस इज गोइंग टू गिव यूरी क्लोज ट्वेल्व परसेंट रिटर्न ओवर द लॉन्ग रन इफ यू आर अ मीडियम रिस्क इन्वेस्टर अब यही जो पोर्टफोलियो मिक्स है ये चेंज होगा नॉट द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड इन द इक्विटी मार्केट बट द वे दैट यू स्पेंड इट। अब आप क्या करेंगे आप 85 50 में डालने के 80 50 में डालेंगे, आप परसेंट अब मिड कैप में डालते रहेंगे लेकिन आप जो एक्स्ट्रा 5% परसेंट लार्ज कैप या निफ्टी 50 से लेंगे वो आप डालेंगे स्मॉल कैप में दीज आर अ वेरी हाई पोटेंशियल अगेन सर्च फॉर स्मॉल कैप ग्रोथ म्यूचुअल फंड जो भी आपको पसंद आए गिवन द डेटा एंड म्यूचुअल फंड पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया कि आप कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं या स्मॉल केस सिलेक्ट कर सकते हैं एनी थिंग दैट गोज विच गिव यू पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स ड्रिवन बाय एन एक्सपर्ट ताकि आपको अपना दिमाग ना लगाना पड़े आप सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप कौन सा रिस्क बेयर करेंगे एंड दैट्स ऑल दैट देर इज एंड देन इफ यू वॉन्ट टू टेक अ हाई रिस्क एंड प्लीज बी विलिंग टू इफ यू कैन अफोर्ड टू देन द मिक्स चेंजेस वहां मेरा सजेशन रहेगा यू गो फॉर सिक्सटी फाइव परसेंट निफ्टी फिफ्टी ट्वेंटी फाइव परसेंट मिड कैप एंड ट्वेंटी परसेंट स्मॉल कैप ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट फाइव टू टेन ईयर्स आपको जितना क्लोज अठारह परसेंट से बन पाता है वो लाएगा बिकॉज दैट इज वॉट हिस्टोरिकली दिस मिक्स द मार्केट तो ये रही समरी लो रिस्क के लिए एटी फाइव परसेंट निफ्टी फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट मिड कैप अप्रोच की फाउंडेशन है कि आप एक्सपर्ट्स पर रिलाई कर रहे हैं खुद के एक्सपर्टीज पे नहीं क्योंकि हमारे पास एमज्यूमिंग एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास सिर्फ पैसा है एंड अपने पैसे को ग्रो करने की एक इच्छा है एंड इन अ वे दैट इज एडजस्टेड फॉर अर रिस्क नंबर टू

इंपॉर्टेंट थिंग टू बेर इन माइंड इज की शॉर्ट टर्म रिस्क रहेगा आपके कैपिटल के लिए तो अगर आप दो तीन चार साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं देन दिस में नॉट बी द राइट अप्रोच हुआ है क्योंकि अगर आप अननेसेसरलीस्क लेंगे क्योंकि अंकुर वारिकु ने बताया था कि अट्ठारह परसेंट मिलेंगे दिस अट्ठारह परसेंट एज द सेट इज ओवर अल रियली लॉन्ग पीरियड एटलीस्ट फाइव टू टेन ईयर्स तो अगर आप उससे कम के लिए इन्वेस्ट करेंगे और वो अट्ठारह परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इट मे नॉट हैपन

जॉब को हो जाए आपकी इनकम को हो जाए तो आपके पास कम से कम छह एंड आइडियली बारह महीने का खर्चा होना चाहिए समवेयर सेफली एंड लिक्विड में मतलब इंस्टेंटली वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है नंबर दो हेल्थ इंश्योरेंस ताकि अगर आपको या आपके परिवार के मेंबर को हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो उसका खर्चा आपको अपनी पॉकेट से ना देना हो इंश्योरेंस कंपनी देगी एंड तीन लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी पूरी फैमिली की फाइनेंशियल जिम्मेवारी जो है वो उन पे नहीं आनी चाहिए द इंश्योरेंस कंपनी शुड बेयर दैट कॉस्ट इन तीन चीजों को लेके अगर आप अपने पैन कार्ड और अपने डीमेट अकाउंट के साथ अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं ट्रस्ट मी दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट दैट यू विल गिव यूर सर्व टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई होप यू गेट स्टार्टेड ऑन दैट टूडे अकुरुवारे को साइनिंग ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं नो लॉन्ग फॉर्मेट मैट कॉन्टेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो होपफुल्स विल हेल्प यू जस्ट जस्टिस मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट मैट डू सब्सक्राइब करिए पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल